राजधानी के सुहाड़ी हॉस्पिटल में रेमडेसिविर इंजेक्शन के कालाबाजारी की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल पुलिस के द्वारा जांच की गई, भेड़ की गई, तो उसमें दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया जिनका नाम अंकित है और आमिर है। इनमें से एक कोविड वार्ड में कार्यरत कर्मचारी है और दूसरा व्यक्ति नॉन कोविड वार्ड में कार्यरत कर्मचारी है। इनसे पूछताछ की जा रही है, मुकदमा पंजीकृत कर अभी राजधानी कार्रवाई की जा रही है। गोरखपुर में वैश्विक महामारी कोरोना के बीच कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपदा को अवसर बनाकर उसका फायदा उठाने में लगे हुए हैं। ऐसा ही हाल गोरखपुर के राजघाट अंत्येष्ट स्थल पर भी देखने को मिला। यहां पर लकड़ियां बेचने वाले दुकानदार और अंतिम संस्कार कराने वाले कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के अंतिम संस्कार में मदद करने की बजाय उनके परिजनों से अवैध वसूली कर रहे हैं। आपको बताते चले, लकड़ियों से लेकर अंतिम संस्कार तक में मनमाने तरीके से धन वसूलने का काम किया जा रहा है। लकड़ी बेचने वाले व्यापारी 800 से 1500 की बजाय 5-5 हजार रुपए अब आपको बताते चले परिजनों से वसूल रहे हैं। तो वहीं नगर निगम ने कोविड 19 से जान गंवाने वाले लोगों के निशुल्क अंतिम संस्कार का बीड़ा उठाया है। दरअसल इस्तेमाल किए गए पीपीई किट खुले में फेंके जा रहे थे, साथ ही शव का सामान भी खुले में ही फेंके जाने लगे, जिसकी सूचना मिलते ही नगम आयुक्त अविनाश सिंह ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने इस पर लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर अंत्येष्ट को पूरी तरीके से निःशुल्क किए जाने का आदेश जारी किया। आपको बताते चले, जिस तरीके से कोरोना वायरस लगातार अपने पैर पसारता जा रहा है देश में, तो उसी दूसरी तरफ उलट तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। एक तस्वीर वो है जो जिसमें लोग एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं संकट की घड़ी में, तो दूसरी तस्वीर वो है जहां पर लोग इस आपदा को अवसर में बदलने के लिए काला कारोबार और आपको बता चले गोरखधंधा जो है अपना वो कहीं ना कहीं चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अंतिम संस्कार के लिए जहां घंटों लोग लाइनों में लगे हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि उनके जो परिवार का सदस्य है जो इस दुनिया को छोड़कर चला गया है उसका अंतिम संस्कार किया जा सके, तो वहीं दूसरी तरफ अंतिम संस्कार के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। रोग नियंत्रण और रोग रोकथाम केंद्र ने भी कुछ दिन पहले भारत के संबंध में इसी तरह की चेतावनी जारी की थी। उसने भी भारत के संबंध में स्तर 4 का यात्रा संबंधी स्वास्थ्य नोटिस अपने नागरिकों के लिए जारी किया था। विदेश विभाग ने यात्रा परामर्श में कहा, कोविड 19 के कारण मालदीव की यात्रा ना करें। पूरा मामला क्या है आप इस रिपोर्ट में देखिए। नागरिकों को परामर्श जारी कर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और मालदीव की यात्रा से बचने को कह रहा है। इस क्षेत्र में कोविड 19 के मामलों में अचानक हुई वृद्धि के मद्देनजर ये परामर्श जारी किया गया। गुरुवार को अमेरिका में अनेक यात्रा परामर्श जारी किए गए। आपको बता दें कि इनमें अधिकारियों ने अमेरिकियों से चीन और नेपाल की यात्रा के बारे में फिर से विचार करने, श्रीलंका जाते वक्त बहुत ही अधिक सतर्कता बरतने और भूटान जाते वक्त सामान्य एहतियात बरतने की जानकारी। इसमें भूटान को यात्रा के लिहाज से छाना गया है जो विदेश यात्रा के सुरक्षित स्तर है। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और मालदीव को स्तर 4 पर रखा गया, जिसका मतलब है कि अमेरिकी वासियों को इन देशों की यात्रा नहीं करने दी जाए। भारत के बारे में यात्रा परामर्श जारी करते हुए विदेश विभाग ने कहा, कोविड 19 अपराध और आतंकवाद के कारण भारत की यात्रा न करें। इससे पहले रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने भी कुछ दिन पहले भारत के संबंध में इसी तरह की चेतावनी जारी की थी। उन्होंने भी कहा था, भारत के संबंध में स्तर 4 की यात्रा संबंधी स्वास्थ्य नोटिस जारी की गई। विदेश विभाग ने यात्रा परामर्श में कहा, कोविड 19 के कारण मालदीव की यात्रा न करें, आतंकवाद के कारण मालदीव में अतिरिक्त सतर्कता बरतें, कोरोना वायरस के कारण पाकिस्तान की यात्रा न करें, आतंकवाद और जातीय हिंसा के कारण वहां जाने से पहले फिर से एक बार विचार विमर्श करें। इसमें कहा गया है कि पाकिस्तान में आतंकवादी समूह लगातार हमलों की साजिश रच रहे हैं। इस बीच कनाडा ने भी भारत पाकिस्तान में कोविड 19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर इन देशों से सभी यात्री उड़ानों पर 30 दिन की रोक लगा दी। परिवहन मंत्री उमर अलगाबरा ने कहा है कि प्रतिबंध गुरुवार से प्रभाव में आ जाएगा। आपको बता दें कि भारत में गुरुवार को कोविड 19 के अब तक के सर्वाधिक 3 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,59,30,965 हो चुकी है। दुनिया के किसी भी देश में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण का यह सबसे सर्वाधिक आंकड़ा माना जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि कनाडा ने भी गुरुवार को भारत और पाकिस्तान से आने वाली सभी पैसेंजर फ्लाइट्स को 30 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया।
उमर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि भारत पाकिस्तान से कनाडा पहुंचने वाले हवाई यात्रियों में कोविड-19 के मामलों की ज्यादा संख्या को देखते हुए मैं 30 दिनों के लिए भारत पाकिस्तान से कनाडा पहुंचने वाली सभी कमर्शियल और पैसेंजर फ्लाइट को सस्पेंड कर रहा हूँ। गुरुवार रात 11:30 बजे से यह नियम लागू कर दिया जाएगा। हालांकि आपको बता दें कि उमर ने यही कहा है कि यह बैन कार्गो फ्लाइट्स पर लागू नहीं होगा ताकि टीकों, पीपीई किट और अन्य आवश्यक सामानों की निरंतर शिपमेंट सुनिश्चित की जा सके। वहीं कैनेडियाई स्वास्थ्य मंत्री पैटी हल्दू ने भी कहा है कुल मिलाकर कनाडा में केवल 1.8% यात्री कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए। उन्होंने कहा कि कनाडा की हालिया फ्लाइट्स में से भारतीयों का 20% शेयर है, लेकिन इनमें से 50% से ज्यादा लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं। इसी तरह से पाकिस्तान से आने वाली फ्लाइट्स में भी संक्रमण के ज्यादा मामले आ चुके हैं। कनाडा ने पिछले साल दिसंबर में ब्रिटेन में कोविड के नए वेरिएंट के आने के बाद कुछ समय के लिए ब्रिटेन की फ्लाइट्स सस्पेंड कर दी। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि कनाडा की तरह कई दूसरे देश भी पहले ऐसी घोषणाएं कर चुके हैं। संयुक्त अरब अमीरात ने गुरुवार को भारत से सभी फ्लाइट्स को सस्पेंड करने की घोषणा कर दी। ब्रिटेन ने भी इस सप्ताह भारत से यात्रियों की एंट्री पर बैन लगा दिया। वहीं फ्रांस ने भी 10 दिन का क्वारंटीन अनिवार्य कर दिया है। बात करें कनाडा की तो कनाडा में आने वाले सभी यात्रियों के लिए पहले से ही 14 दिन का क्वारंटीन अनिवार्य कहा गया है। स्पेशल डेस्क आरएनएस।